नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं निकल रहा है ना, तबे तक की गुमराह कर सकता है। नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना तो कोई मेरिट नहीं चलेगा और कोई नोट मेरिट नहीं चलेगा, सीधे कुछ चलेगा एकदम फॉर्म भरो आंदोलन और फॉर्म भरो अभियान। नहीं, पूरा परिवार अगर लग जाएगा फॉर्म भरा देने नहीं, तो तभी तक गुमराह होने की जरूरत है जब तक नोटिस। बस भैया अंतिम पड़ाव पर है नहीं। और सरकार, कल हम दिन भर यही सचिवालय में देख रहे थे, कल हम कह रहे हैं तो बुद्धुत है कि दिन भर सचिवालय में लगल थे नहीं, कल हम लोग का आंदोलन नहीं था तो दिन भर सचिवालय में थे और जानबूझ के बुलाए थे 10-20 लोगों के, खाली मैटर समझे लगी हम जो दो चार लोग जो गैंग बहाली फसाओ गैंग है, कल आंदोलन झूठ मूठ के कर रहा था, उसका नाम है बहाली फसाओ गैंग। बिल्कुल सही, उसका क्या नाम है? बहाली फसाओ गैंग। उसका मानसिकता गंदा है, कहता है कि सुनिए ना आत्मदाह करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, हम तो बार बार कहते हैं आत्मदाह करने के लिए आपको कोई दूर दूर अगर बात होता है उससे पूछिएगा, तू बेटा आत्मदाह करो और हम 5 लीटर पेट्रोल देते हैं। नहीं, तुम आत्मदाह करो, 5 लीटर पेट्रोल हम देते हैं और फ्री में माचिस देंगे। नहीं, वो झूठ मूठ का भर गलाने का काम सिर्फ बस क्या कर रहा है, उसको से कुछ छूट नहीं रहा है, देख रहा था कि मेरी तो नोट मेरिट सब भाई एक हो गया है, तो भाई ऐसा बयानबाजी करेगा ना किताब ना टूटल रहेगा मेरिट वाला। कम से कम सैकड़ों फोन आना चालू हो गया था हमको मेरिट वाला है अभ्यर्थी कि नहीं भैया हम लोग को बहाली करवाना है, हम लोगों के सबसे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो फिर से काचिकल का चालू कर दिया कि फैला है, बैकडोरा है। नहीं, तो ये तो अब एकदम क्लियर हो गया, क्लीन चिट हम लोग को मिल गया विधानमंडल से कि कौन फैला है और कौन बैकडोरवा है। चोर को नजर आते हैं सभी चोर, समझ बात रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं 10 लोग जो हैं बहाली फंसा गए, वो 10-10 लाख रुपया 10 लोग 10-10 लाख रुपया दे करके आए, और जो 20 गो के भेड़ उसको दिख रहा था ना कल 30 गो के, ओकरा में 10 गो आदमी हमरे था, पैसा के भीड़ रहे छे हो भैया, समझ रहे हैं ना, तो वो 10 लोग कभी नहीं चाहेगा कि बहाली बहाली हो गए, समझ रहे हैं बात को, उसके बाद में जो बोलिएगा मेरिट वाले भैया के कभी नहीं जाना चाहिए, उसके अगर बात में अगर आ गए उसका मंसूबा एक ही है बस खाली। अच्छा बताइए, मेरिट नोट में समझाइएगा, उस भाई को समझाइएगा जो मेरिट वाले आपको होंगे, हम भी इसमें मौजूद हैं, हमसे मीडिया वाला पूछा कि भैया मीडिया वाला टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत इधर उधर करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि पूछा कि आप मेरिट में हैं कि नॉट मेरिट में, तो हम बोले कि एक पेपर मेरा मैट से है जो मेरी नॉट मेरिट में है और बाकी कंप्यूटर साइंस से एक पेपर हमारा है जो मेरिट में है, कोची कहिएगा सोचने वाले, कोची कहिएगा बोलिए, हम है सही बात, हम दिखाने के लिए तैयार हैं कंप्यूटर साइंस से हम मेरिट में हैं नहीं, लेकिन मैथ से हम नॉट मेरिट में, तो कुछ कहिएगा क्या कहिएगा, क्वालिफाइड अकॉर्डिंग 12 मार्च 2021। तो सिर्फ गुमराह कर रहा है 10 गो, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझे उसमें समझाइए, देखिए नॉट मेरिट मेरिट 13 सब्जेक्ट में हम बार बार कहते हैं नॉट मेरिट और मेरिट कैसे रहेगा, उन लोग को हम समझाना तोड़ने का कोशिश की है, सारा मेरिट वाला टूट गया थे 13 सब्जेक्ट के, सारा मेरिट वाला टूट गया, अभी भी टूटे हुए 13 सब्जेक्ट के, भैया सीट से भी बहुत सा सब्जेक्ट में कम है मेरिट नॉट मेरिट मिला करके, है ना, तो 13 सब्जेक्ट भाई प्रॉब्लम कहाँ है 2 सब्जेक्ट में। हमारे साथ सचिवालय बहुत लोग गए थे, एकदम चाय पिलाए थे कॉफी पिलाए थे संजय सर, जीता जाता अभी उदाहरण है सुषमा, जीता जाता उदाहरण है सविता मैम, अभी नहीं यहाँ पे है लेकिन मैंने कहीं भी है जीते जाता ही अभी है बच रहे हैं कहने का मतलब उदाहरण है हमारे बहाली के, उन्होंने कहने एक सविता मैम हो गए और भी 3-4-5 लोग हमारे साथ गए थे, संजय सर इसका उदाहरण है कि ये बात सत्य है, अधिकारी का पास पूरा डेटा होता है, अधिकारी भले गलती छुपाने के लिए बहुत कुछ कर दे लेकिन बता रहे हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, उन्होंने कहा था कि 13 सब्जेक्ट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरिट नॉट मेरिट मिला करके भी सीट से कम है,
गलती कर रहे हैं। अब भैया बताइए फिजिक्स के 2000 प्लस टू में सीट है 865 में, तो सीट से कम नहीं है, तो सीट से लेके तो फिर हम मेरी नोटमेंट के कोई बात आता है, बात को समझिए। टू सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है और भी टू सब्जेक्ट के कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग भाई के कभी भी 13 सब्जेक्ट के बहाली खुलते हैं, 2 सब्जेक्ट के ना खुलता है, ऐसा हो जाता है, कभी नहीं खुलेगा तो 15 सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट के भी प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल इंडिया के बात करते हो, जैसे ही वाला गैजेट लगेगा ना, तो न एक कंप्यूटर की दिक्कत होगा और न सोशल साइंस की दिक्कत होगा। नहीं गैजेट पढ़े होंगे आप लोग, नहीं है तो फिर से एक और देख लीजिएगा। गैजेट कहता है कि हर स्कूल में 2-2 कंप्यूटर शिक्षक होना चाहिए, 2-2 कंप्यूटर शिक्षक है, वो लगता है असिस्टेंट भी कह रहा है, क्या दीपक भाई उसमें है ना, हाँ टेक्निकल एक वो तीन वो हो गए भैया, तीन वो सुना था, एक ही वो था ना, गलती कर, तीन वो तू ना था, एक ही वो था, तो कितना 5000 और 3000 मतलब प्रमोट करके 8-9000 विद्यालय हो जाए, 9360 10000 और 2017 निकालते 12-13000 कंप्यूटर शिक्षक हो जीते, 12000 समझ रहे हैं बात को, 3-4000 के छठनी तय है बीसीए वाला पीएचडी वाला, तो सबकी नौकरी नहीं हो जाएगा, हो जाए हमें तीन बने